हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बकरे के पाई की रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है रेसिपी बनके तैयार होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गोट के लेग के पीस। तो यहाँ पे आपको इस पीसेस को मीडियम कट करना है। अभी इसको रखेंगे हम साइड में। अब आपको यहाँ पर मसाला बनाना है, तो इसके लिए आपको ग्राइंडिंग जार में लेना है 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। आधा टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर साबुत जीरा, और साथ ही में लेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च के दाने, आधा टीस्पून हम यहाँ पे लेंगे सौंफ, और इसी के साथ में हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा पोस्ता दाना। और अब आपको यहाँ पे लेना है काला जीरा यानी कि शाही जीरा, ये भी मैंने आधा टीस्पून लिया है। और अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी जावित्री, और बस अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो लगभग 2 चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे, और ढक्कन बंद करने के बाद इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इस पेस्ट को रख देंगे साइड में। अब आपको यहाँ पे लेना है सरसों का तेल। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज की प्याज रफली चॉप की हुई, और प्याज डालने के बाद हमें यहाँ पर इसे गैस की फ्लेम हाई करके गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर प्याज का कलर गोल्डन फ्राई हो गया है, और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। और प्याज को आपको गैस की फ्लेम हाई करके ही पकाना है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम लो कर देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अभी पेस्ट बना के रखा था। और पेस्ट डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम करके हम इसे हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है और इसमें कच्ची स्मेल होती है। तो इसमें ख़त्म होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 इंच लेंगे दालचीनी लकड़ी का टुकड़ा, और साथ ही में लेंगे हम यहाँ पर 2 चक्री फूल, 3 लेंगे छोटी इलायची, और इसी के साथ में हम यहाँ पे लेंगे 2 बड़ी इलायची, और 7 से 8 हम यहाँ पे ले लेंगे लौंग, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, जिससे कि मसालों का जो फ्लेवर है वो इसमें रिलीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो आधा टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, आधा टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। और अब हम यहाँ पे लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये तीखा कम होता है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करके सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लेग के पीस। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे मसालों के साथ में, जिससे कि इसमें जो बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी, और पानी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको पानी इसे गलाने के लिए डालना है, तो आपको यहाँ पर इसे लगभग 30 मिनट तक पकाना है, क्योंकि इस रेसिपी को आपको देर तक ही पकाना होता है। और आधे घंटे के बाद हम यहाँ पर इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ होने देंगे, और यहाँ पे हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई करके इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये अच्छी तरह से भून गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसमें ग्रेवी लगाएंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने 2 कप पानी ऐड किया है, और पानी डालने के बाद हम इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बॉयल आ गया है। आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है, और चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी सी मटन लेग करी बनके तैयार हो गई है, यानी कि मटन निहारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।